हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के लिए। लेकिन अपनी बातचीत को कंटिन्यू करें उससे पहले आपसे दो रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। पहली रिक्वेस्ट दोस्तों ये कि अगर आप डीमैट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए एक लिंक ड्रॉप किया गया है, आप देख सकते हैं। दूसरी रिक्वेस्ट ये दोस्तों कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, फाइनेंस मार्केट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से हिट कर लीजिए ताकि आपको किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो। रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड में अगर हमने देखा लास्ट ट्रेडिंग सेशन में दोस्तों 3.15 की प्राइस के ऊपर ओपन हुआ। अगर आप देखें तो इससे पहले वाले दिन का क्लोजिंग प्राइस 3.05 था और 3.15 से लो बनाया 3.05 का और हाई बनाया 3.20 का। लोअर सर्किट 2.90 का लगा था, अपर प्राइस 3.20 का लगा था, लेकिन अपर प्राइस के ऊपर बंद भी हो गया 3.20 यानी 4.92% का अपर सर्किट। एनएससी के ऊपर दोस्तों कंपनी इसके अंदर जो टोटल वॉल्यूम ट्रेड किया गया कल के दिन 3,32,97,852 शेयर्स, जहां पे 47% की डिलीवरी उठाई गई। और बीएससी के ऊपर दोस्तों देखिएगा तो 2,28,18,550 शेयर्स की ट्रेडिंग हुई, जहां पे 47% की डिलीवरी है। बीएससी के ऊपर ट्रेडिंग पैटर्न देखें तो 3.14 की प्राइस के ऊपर ओपन होने के बाद 3.05 का लो और 3.23 का हाई, 890.50 करोड़ रुपये इस कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन है दोस्तों। जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा मार्केट कैप भी उसकी उसी रेशियो में बढ़ती जाती है, कम होगा मार्केट प्राइस भी कम होती जाती है। दोस्तों, रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के अंदर मैं इस वीडियो में आप लोगों से एक पॉइंट ऑफ व्यू पे अपनी बातचीत करना चाहूँगा। देखिए दोस्तों, रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड आपको पता है टेलीकॉम सेक्टर का एक पार्ट है, इस चीज़ को आप मानते हैं ना, टेलीकॉम सेक्टर का एक पार्ट है। और मुझे लगता है कि भारत सरकार अगर टेलीकॉम सेक्टर के लिए कुछ भी ले के आती है, राइट, तो इसका प्रभाव हमें डेफिनेटली आर कॉम के ऊपर भी पड़ना चाहिए। आप बताइए ना, पड़ना चाहिए कि नहीं चाहिए? देखिए, टेलीकॉम सेक्टर के लिए अगर कुछ आता है तो वो जितनी भी कंपनीज हैं, चाहे जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के ना हो, अब वो अलग बात है कि जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं या फिर जो यू नो कॉल प्रोवाइडर्स हैं, जो हमारे टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जैसे कि जियो है और आपका भारतीय एयरटेल है ना, BSNL है, MTNL है, इन सभी को बेनिफिट तो होगा ही होगा। प्लस ये जितने टेलीकॉम सेक्टर में टावर और की सब कंपनीज आ जाती हैं उसमें सबको देखा जाता है। तो अगर कुछ ऐसा लेके आते हैं जो टेलीकॉम सेक्टर की ग्रोथ के लिए अगर कुछ होता है, तो क्या ये रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के शेयर को प्रभावित करेगा? डिपेंड करता है दोस्तों कि बाकी जगह से न्यूज़ किस तरीके की आती है। देखिए, आपको बताना चाहूँगा, आज हम लोग बात कर रहे हैं 7th of August 2021 के अंदर, 12 अगस्त को इसके अंदर सुनवाई है। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल जो है एक केस के ऊपर सुनेगा कि डॉट की जो डिमांड है ऑपरेशनल ड्यूज और करंट ड्यूज में जो है कन्फ्यूजन है, इसी चीज़ को लेकर के NCLT क्लियर करेगा कि 10,000 करोड़ रुपए की जो डिमांड है वो क्या है। तो इस खबर का क्या असर होगा, ये चीज़ मैटर करेगा। प्लस NCLT क्या इस कंपनी के स्पेक्ट्रम को रिन्यू करने की परमिशन देगा, क्योंकि उसी के हाथ में है। बैंकरप्सी कोर्ट नाउ हैव टू डिसाइड वेदर आरकॉम्स स्पेक्ट्रम विल बी रिन्यूड फॉर कमिंग टाइम पीरियड और नॉट। तो दोस्तों, ये सब चीज़ें मैटर करेंगी। लेकिन देखिए, टेलीकॉम सेक्टर के लिए भारत सरकार अगर कुछ लेके आती है तो आर कॉम के ऊपर भी हमें उसका असर देखने को मिलेगा। देखिए, भारतीय एयरटेल की बात नहीं करें, जैसे वोडाफोन आइडिया, भारत सरकार अगर वोडाफोन आइडिया को डायरेक्टली अगर बचाने के लिए किसी तरीके से कोई स्कीम लेके आती है या कोई मर्जर स्कीम है या कुछ भी है, तो वो अलग बात है, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। टेलीकॉम सेक्टर ओवरऑल अगर हम देखें तो टेलीकॉम सेक्टर लॉस मेकिंग सेक्टर है कई सालों से, ये बात आपको पता है, बहुत अच्छे से पता है, आपको पता ही है, जानते ही हैं सब। तो दोस्तों, लॉस मेकिंग सेक्टर को लॉस मेकिंग अगर रखेगी सरकार तो इससे कैसे, ऐसे ऐसे तो चलने वाला नहीं है। इस सेक्टर को, बैंकिंग सेक्टर को भारत सरकार को प्रॉफिटेबल बनाना ही पड़ेगा ना, और कोई चारा नहीं है।
तो टेलीकॉम सेक्टर को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए अगर कुछ आती है सरकार लेकर के, तो मुझे तो लगता है भैया कि इसके अंदर कुछ पॉजिटिव असर देखने को मिलेगा, लेकिन वो पॉजिटिविटी का जो रेट होगा वो कम या ज़्यादा हो सकता है डिपेंडिंग ऑन दी कंक्लूजन कमिंग फ्रॉम नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। एनसीएलटी से जो कंक्लूजन आएगा वो चीज़ भी इसमें अपने आप में मैटर करेगी। दोस्तों आज हम लोग 7 तारीख बात कर रहे हैं, आने वाले कुछ ही दिन बचे हैं, हम लोग बातचीत करते रहेंगे इसके ऊपर। और ये देखिए कल के दिन फ्राइडे के दिन अपर सर्किट लग तो गया, लेकिन बड़ी मशक्क़त के बाद लगा था, बहुत स्ट्रगल करना पड़ा इसको, उसके बाद जाकर के अपर सर्किट लगा है एनएससी पे भी और बीएससी के ऊपर भी। तो दोस्तों अभी ये एक तरीके से गेम खेली जा रही है, ऑपरेटर्स ऊपर नीचे करे जा रहे हैं स्टॉक को। अभी कोई परमानेंट और किसी तरीके की अभी अभी एक तरीके से अनसर्टेन गेम चल रहा है यहाँ पे। अभी कुछ भी यहाँ पे वो नहीं है, प्रमोटर्स इधर उधर कर रहे हैं, जब तक कि हमें कुछ सर्टेनिटी नहीं नज़र आए एनसीएलटी से, तब तक इसके ऊपर हमें आइदर डायरेक्शन, या तो डाउन डायरेक्शन या तो अप डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में आपको यू नो लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से या लंबा आपको लॉन्ग मूव नहीं देखने को मिल सकता है, राइट। तो दोस्तों हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही। आई होप यू लाइक दिस इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग आरकॉम लिमिटेड। आप लोगों से कंटिन्यूअस बातचीत होती रहती है। दोस्तों आप लोग इस कंपनी से जुड़ी हुई कुछ इन्फॉर्मेशन अगर शेयर करना चाहते हैं, कोई बात शेयर करना चाहते हैं, तो आप भी कॉमेंट बॉक्स में बताइए ना, मैं आप लोगों के कॉमेंट्स का इंतज़ार करता हूँ। आई विल रीड योर कॉमेंट एंड आई विल रिप्लाई इफ़ इट इज़ यू नो लाइक दैट। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम।